देश की बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आज छात्र संघ ने फीस वृद्धि और कॉलेज के दूसरे मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रांगण से लेकर ये मार्च निकला जो कि नेशनल मीडिया मार्ग पर गया, उसी को ध्यान में रखते हुए राजधानी दिल्ली के जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है वहाँ पर भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। हालांकि जो छात्रों का मार्च है उसको अभी नेशनल मंडेला मार्ग पर रोक दिया गया है। इससे पहले छात्र संगठन ने दूसरी यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी अपील की थी कि वो JNU के इस मार्च में शामिल हो। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से छात्र संगठन और JNU प्रशासन के बीच फीस वृद्धि और कुछ दूसरे मुद्दों को लेकर लगातार रस्साकशी देखी जा रही है। इससे पहले भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन से जुड़े हुए लोग ITO स्थित UGC बिल्डिंग के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इन स्टूडेंट्स यूनियन का कहना है कि शुल्क वृद्धि का बढ़ाना पूरी तरह से बेमानी है, इसी को लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कोई भी क्लास नहीं लगी। हालांकि जो JNU के कुलपति हैं जगदीश कुमार, उन्होंने छात्रों से अपील की है कि अपनी कक्षाओं में लौटाएं। एक वीडियो संदेश भी JNU की वेबसाइट पर लगाया गया है, उसमें जो जगदीश कुमार हैं उन्होंने कहा कि अगर छात्र अभी भी हड़ताल पर अड़े रहे तो इससे हजारों छात्रों के भविष्य पर असर होगा। आप देख सकते हैं कि ये JNU के अंदर का नज़ारा है, जिस तरह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लासों का बहिष्कार कर जो JNU का बाहर रोड साइड एरिया है वहाँ पर सड़क पर आ गए हैं। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार अपनी इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसको फीस वृद्धि के साथ साथ जो दूसरी वृद्धि की गई है उसको वापस लेना होगा। हालांकि जो JNU प्रशासन है वो लगातार छात्रों से अपील कर रहा है कि 12 दिसंबर से सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू हो रही है, ऐसे में अगर आप कक्षाओं में नहीं जाएंगे तो इससे आपके भविष्य पर प्रभाव पड़ सकता है। JNU के साथ साथ जो स्टूडेंट यूनियन का जो प्रोटेस्ट का जो पूरा रास्ता है उसमें हाई सुरक्षा कर दी गई है, क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो गया है और ऐसे में अगर ये स्टूडेंट किसी भी तरह से संसद भवन या संसद मार्ग के आसपास पहुंचने की कोशिश भी करें तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है, तो सीधे तौर पर मान सकते हैं कि जो मार्च है उसको शांत करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जब UGC की बिल्डिंग के बाहर इन स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया था तब भी उन्हें आश्वस्त किया गया था कि जो बढ़ी हुई फीस है उसे वापस ले लिया जाएगा, इसके साथ साथ जो दूसरे मुद्दे हैं उस पर भी बातचीत की जाएगी। हालांकि इस दिशा में अभी तक कोई कंक्रीट समाधान नहीं निकला, तो ऐसे में आज एक बार फिर से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर हैं और देखना यही है कि सरकार और जो JNU प्रशासन है वो छात्रों से किस तरह से बातचीत के माध्यम से इस प्रदर्शन को ख़त्म करा पाता है। कैमरामैन विवेक के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।